Hello, welcome to Arbind, Singh Academy. This is another lecture on animal tissue, and this is lecture number 8. I hope you have already watched part 1 to part 7 before watching part 8. And in this last lecture, we had discussed about the different type of animal tissue. कि क्या क्या होता है उसकी एक समरी पे ओवरऑल हमने बात की थी, डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की थी. आज हम वन बाय वन करके एक एक करके बात करना चाहते हैं कि आप पहला जो बात किया था कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. व्हाट इज दिस एपिथेलियल टिश्यू एंड वेयर इट इज फाउंड एंड व्हाट आर देयर फंक्शन. जैसा कि हमने बात किया था कि मेनली हमें तीन ही चीजें समझनी है इसके बारे में कि ये है क्या और क्या करता है और कहाँ मिलता है. तो पहले ये कहेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू इज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, इट विल प्रोटेक्ट द ऑर्गन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड. दिस इज अ कवरिंग लेयरिंग, जैसा कि हमने कहा था कि लेयर्स ऑफ द बॉडी, लेयर्स ऑफ द ऑर्गन, इंटरनल और एक्सटर्नल लेयरिंग ऑफ द बॉडी. सो बाहर की जो एक्सटर्नल लेयरिंग है या इंटरनल लेयरिंग है, उन सबको ये ऑर्गन के एक्सटर्नल और इंटरनल लेयरिंग जो बनाता है वो टिश्यू जो है वो एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है. इसका मतलब है कि ये क्या करता है, लेयर क्या करता है, कवरिंग क्या करता है, बाहर से उसके प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू. ये प्रोटेक्टिव टिश्यू भी है क्योंकि ये बाहर से ऑर्गन को और इनर से दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करता है. अगर प्रोटेक्ट नहीं करता तो बाहर से क्या होता, इंक्रूजन होती और बाहर से जो होता बैक्टीरिया और फंगस, फंजाई और डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑर्गन क्या हो जाते, खराब हो जाते. तो इवन चाहे इंटरनल ऑर्गन हो चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन हो, एपिथेलियल टिश्यू दोनों को लेयरिंग का काम करता है और अंदर से बाहर से लेयरिंग का काम करता है, इस तरह से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू. ठीक है ना, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है. और इसलिए अब हम इसके बारे में लिखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू इज ए एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू थेलियल टिश्यू इट इज ए प्रोटेक्टिंग टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू विच प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स फ्रॉम inside or from external and internal organ by layering it means it covers the organs and protect it, right? It covers the organ and protect it. ये है हमारा कि ये epithelial tissue है क्या. So it protect different body organ system separate from each other different organ system separate from each other. ऐसा नहीं है कि एक बॉडी जो है अगर उसमें लेयरिंग ना हो तो एक बॉडी का जो सिस्टम है वो दूसरे बॉडी से जाके मिलेगा, तो किडनी जो है वो दूसरे बॉडी ऑर्गन से के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा बॉडी ऑर्गन पहले के साथ अटैच हो जाएगा, तो ऐसा क्या होगा कि इससे कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा सबका. जैसे हमारे किसी कारखाने में, फैक्ट्री में या घर में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ऑफिस में, और एक डिपार्टमेंट का काम अलग होता है, उसे दूसरे डिपार्टमेंट का बहुत कुछ डायरेक्टली लेना देना नहीं होता है, सबकी अलग अलग फाइल होती है, अलग अलग प्लेस ऑफ वर्क होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी अलग अलग
स्पेस होती है, अलग अलग ऑर्गन है, उनकी अलग अलग वर्क फंक्शनिंग है, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटरफेयर ना करे, अर्थात एक बॉडी ऑर्गन दूसरे बॉडी ऑर्गन के साथ इंटरफेयर ना करे, इसके लिए एक बाउंड्री होनी चाहिए और वो बाउंड्री एक लेयर होनी चाहिए, और वो लेयर कौन प्रोवाइड करता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम भी एक एनिमेशन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा किस तरह से होता है, और देखिए एक एनिमेशन दिखाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में जो है वो बेसिकली अलग अलग तरह के, चार तरह के, जैसा कि पांच तरह के हमने एपिथेलियल टिश्यू की बात कही थी कि पांच तरह के एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये अंदर की लाइनिंग भी करता है, अंदर की लाइनिंग जो होती है किसी भी ऑर्गन की वो भी होती है और बाहर की भी होती है, तो दोनों ही चीजें जो है वो आपको समझने की जरूरत है कि ये जो है इंटरनल और एक्सटर्नल लाइनिंग दोनों ही जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू के जरिए होता है, और ये अलग अलग तरह के एपिथेलियल टिश्यू होता है। सिलिया, ये देखिए ये जो है हमारी श्वास नली के साथ जो बनी होती है वो सिलिया होता है, और इसी तरह से ये जो एक होता है ऊपर की, ये फाइबर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो श्वास नली के साथ लगी होती है, जो कि पूरी तरह से ये एक टिश्यू है, ये भी क्या करता है उसको प्योरीफाई करता है, और इसको आने जाने में जो हमारी सांस लेते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसको साफ करने का काम करता है। तो ये क्यूबॉइडल टिश्यू, इसकी शेप जो है क्यूबॉइड की तरह है, ये हमारे लंग्स के साथ लगा होता है। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू देख चुके हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो अलग अलग टाइप के होते हैं और कौन क्या काम करते हैं, इस बात की चर्चा वन बाय वन करके हम लोग देखना चाहेंगे और सीखते हैं कि ये कैसे कौन काम करता है, जो पांच टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं। जैसा कि अभी तक हमने सीखा है कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और ये क्या करता है एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन सिस्टम को लेयरिंग करता है दोनों तरफ से, यानी ये क्या है, दिस प्रोवाइड्स अ बैरियर, एक बैरियर प्रोवाइड करता है, दिस प्रोवाइड्स अ बैरियर, बैरियर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बिटवीन different organs of the body and protect one from another, यानी हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल लाइनिंग है और इंटरनल लाइनिंग है वो सब के सब जो होता है वो ये एपिथेलियल टिश्यू की वजह से ही होता है। अगर एपिथेलियल टिश्यू ना हो तो जो बाहर के हमारी प्रोटेक्टिंग है, प्रोटेक्टिव कवर है एनिमल के, एनिमल बॉडी के, वो भी नहीं होगा, और अंदर का जो लाइनिंग है इंटरनल, इवन ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो हुआ, चाहे माउथ की इंटरनल लाइनिंग हुआ वो हुआ, या इस तरह से जो ब्लड के जो हमारी जो हम सांस लेते हैं वो जो ट्यूब है, वो जो वेन है, वो जो नली है, उसकी जो लाइनिंग हुई वो, या किडनी की लाइनिंग है वो, किडनी का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका जो एक्सटर्नल और इंटरनल लाइनिंग है वो, लंग्स की एलिवेली जो है वो, ये सब के सब जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है, और इस तरह से ये ऑर्गन के इंटरनल और एक्सटर्नल लेयरिंग का काम करता है। तो आप देख पाए कि ये जो टिश्यू होता है बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होता है, बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होता, बहुत सॉफ्ट किस्म का होता है, और ये जो होता है वो लाइटली होता है पैक्ड, इतना सॉफ्ट होता है कुछ कि जिससे आप आसानी से इसकी कवरिंग कर सकते हैं, कुछ मामलों में ये थोड़े हार्ड हो सकते हैं, बट यूजुअली जो होता है वो लाइटली पैक्ड होता है। तो इस बात को समझने के लिए जो थोड़ी सी डिटेल है इसके बारे में वो लिखना चाहेंगे, और लिखते हैं कि क्या है इसके और क्या ये डिफरेंट टाइप के बारे में, पहले जानने से पहले थोड़ी सी बात करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि द ब्लड वेसल्स, द स्किन, स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ,
the lining of blood vessels, the alveoli of lungs, the lining of kidney tubules, all are made of, all are made of epithelial tissue. Right, all are made of epithelial tissue. तो इस तरीके से आप so epithelial tissue are tightly packed. So epithelial tissue are tightly packed in form of continuous sit. अभी मैंने कहा था कि loosely pack का मतलब ये होता है, loosely bound का मतलब होता है कि soft होता है, थोड़ा सा ये bend हो सकता है, इतना hard नहीं होता कि bend ना हो सके, but ये जो है वो क्या है कि ये contraction और relaxation तो होती है और ये जो है हर एक को कवर किया होता है कंटीन्यूअस सीट के फॉर्म में, ऐसा नहीं कि टुकड़े-टुकड़े, पूरी सीट के फॉर्म में ऑर्गन को चारों तरफ से कवर किया हुआ है, जैसे स्किन है पूरी तरह से बाहर से टाइटली है बट इतना भी टाइट नहीं है कि हम इसको मोड़ ना सकें और इसको ये ना कर सकते. सो हमारा लूज पैक का सेंस ये था कि इट इज एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड इन द सेंस दैट देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस ऑलमोस्ट. सो ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, ऑलमोस्ट no intercellular space, right na? That is why in this way this is a tightly packed, right na? Tightly packed ka matlab ye hai ki isme space nahi hota, lagbhag nahi hota hai, but ye soft hota hai by nature. So that is why I said like this. So epithelial tissue jo hota hai wo tightly packed hota hai in form of continuous sheet. एंड यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ये एक विशेष बात है जो हमें जानी. तो लूज का सेंस ये है कि जो भी बॉडी के अंदर इन या आउट होता है किसी भी ऑर्गन के जरिए इन या आउट होता है वो कम से कम एक एपिथेलियल टिश्यू को जरूर पास करता है. तो वॉट एवर एवरीथिंग विच इन और आउट इन द बॉडी, एवरीथिंग विच in or out of the body must enter at least one of the epithelial tissue, right? So this is what we can learn from epithelial tissue. Now some more characteristics of epithelial tissue we will discuss. So permeability of epithelia cells play very important role in exchange of material from body to external environment
and from one organ to another organ of the body, right? One organ to another organ of the body. All epithelial tissue are separated from one another by fibrous basement membrane. This is the underlying separation from one epithelial tissue to another tissue, and that will be helpful to keep them function separately. And depending upon the function, their names are given, structure and function, their names are given, and five types of different type of epithelial tissue are there. So we will discuss all these five different type of epithelial tissue in the next segment of the video. So we will discuss the next segment in the video, what are the different type of epithelial tissue are there and what are their work as well. So till then, bye bye, God bless, keep watching. And this is a small video we are making here, and I am due to bound to close this video. Sorry for this inconvenience. This is a I'm bound to because of some technical compulsion. So in next video we will discuss about the different type of epithelial tissue. Till then, keep watching, and thank you very much. God bless.